सबसे पहले तो मैं राजवीर सिंह राजपूत हूँ और मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ। मैं नेटफ्लिक्स और जितने हॉटस्टार पे मेरी वेब सीरीज आई है, सो बेसिकली मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूँ तो मैंने केडी सर को बोला था कि मैं भोजपुरी करना चाहता हूँ, और 8 साल मुझे लगता है हो गए इस बात को, 8 साल 9 साल, और सर ने मुझे सर प्रोड्यूसर थे रिश्तों का बंटवारा, उसमें मुझे मौका मिला था एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए। इनसे मेरी शादी हुई थी उसमें और अब शायद इनसे मिलना नहीं होगा मेरा इस फिल्म में। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और अपने लैंग्वेज में कुछ काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, बहुत लंबा समय लग गया इनको भोजपुरी आपने दिया भोजपुरी फिल्म करने। नहीं, जानता 8 साल से था, लेकिन इनके अरमान मेरे को बाद में पता चलेगा। पहले हिंदी में ऑलरेडी कर चुका हूँ इनके साथ, एक हिंदी पिक्चर की है मैंने। फिर ही वॉज इंटू मोर इंटू वेब सीरीज, अभी मछली इनकी एक वेब सीरीज आई है हॉटस्टार से, तो उसमें क्या था, फिर मैंने मेरे को कहा इसने, बोला एक अच्छा रोल करेगा, बोला हाँ जरूर करूँगा। तो मैंने बोला कि भैया देख विलेन है, मार भी खानी है तेरे को, बोला खा लेंगे आपके लिए क्या प्रॉब्लम, आ जाओ फिर खा ले। बोलिए गानों के बारे में जानना चाहूंगी, जैसे आज सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है, कितने गाने हैं फिल्म में? पिक्चर में टोटल 8 गाने हैं। ये गुणवंत सेन जी ने, ये हमारे 3 गाने गुणवंत जी कर रहे हैं, बाकी राज जी कर रहे हैं, फिर एक संतोष उपाधि है वो कर रहे हैं, सब मिक्स करके उन्हें 3 म्यूजिक डायरेक्टर को साथ कर रहे हैं। और राज जी क्योंकि चिंटू जी के साथ उनका टेस्ट अच्छा पता है उनको, सिचुएशन हमने दे दी है, वो बना रहे हैं गाना। मेरे ख्याल से भाई नेक्स्ट वीक तक वो भी गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे हमारे। काफ़ी मैं अपने एक्सप्रेशन पे, अपने डायलॉग्स तो मैं वेट कर रही हूँ कि स्क्रिप्ट आ जाए, तो मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँ, अच्छे से रिहर्सल करूँ। इनफैक्ट मैंने केडी सर को पहले ही बोला है कि मेरी स्क्रिप्ट जैसे ही मेरे हाथ में आती है, आप हर संडे या सैटरडे जब भी आपको टाइम मिले आप अच्छे से मेरी क्लास लेंगे। तो सर को बोला है मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट देना। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी मूवी को लेकर के। नमस्कार जी। बस बढ़िया बढ़िया। सर, कब से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी और कहाँ शूट किया जाए? हम वाराणसी में शूट कर रहे हैं और 27 अगले महीने की नवंबर 27 से फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, और स्टार्ट टू एंड एक ही शेड्यूल है, सो देन वी आर गोइंग टू शूट इन वाराणसी। कोई खास हो जाए नवंबर में और वाराणसी में शूट करने के लिए? डेफिनेटली क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। क्लाइमेट अच्छा रहता है और हीरो की डेट भी तो मिलनी चाहिए। नहीं, वाराणसी में लोकेशंस बहुत अच्छे हैं चारों, गाने के लिए ये वो, और बेसिकली बहुत इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि मेरी निरहुआ रिक्शा वाला सारनाथ से स्टार्ट हुई थी और सारनाथ में हम लोग ने लोकेशन फिक्स किया। सारनाथ में ही कर रहे हैं। और सारनाथ मेरे लिए बहुत लकी जाए, 4 पिक्चर मैंने वहाँ की है, सब अच्छी गई हैं, तो भगवान मैंने बोला इसको भी करते ट्राई मारते हैं शायद। इसमें तो निरहुआ नहीं है ना? अरे वाह, ये क्या बात हुई, बोला निरहुआ जी नहीं होंगे तो वहाँ नहीं चलेगी पिक्चर। अरे निरहुआ जी मेरे बंटवारा में थे, अभी तो बनाई उनके साथ, अभी और बना रहा हूँ एक और पिक्चर उनके साथ, ऐसा तो नहीं। उनके साथ तो मेरा अभी 14 साल का वनवास खत्म हुआ है और 14 साल हमको करना है साथ में काम। यही सवाल था केडी सर कि लोकेशन भी हुई है, टीम भी हुई, आप भी हुई, बस खाली निरहुआ मिसिंग है। नहीं, निरहुआ जी आजकल से आपको पता है, प्रोड्यूसर भी नया है।
पॉलिटिक्स में आ गए हैं और इतने बिजी हैं डेट का उनका, और टोटल अभी इलेक्शन है, मई ये अप्रैल तक इलेक्शन है। मेरी एक पिक्चर साइन करी हुई है, मैंने एक साल हो गया और उसकी डेट नहीं मिल रही मेरे को अभी तक, क्योंकि इलेक्शन काफ़ी बिजी हैं आजकल से। तो ठीक है, करेंगे, मेरे को फरवरी में बोला है उन्होंने कि अप्रैल मई में के इलेक्शन के बाद पहली पिक्चर आपके करता हूँ। जी मैम, ये फिल्म का टाइटल है फिदा और इसके डायरेक्टर साहब हैं दिनकर कपूर साहब। दिनकर कपूर साहब इन्होंने मुझे सिचुएशन बताई कि इसमें ऐसा ऐसा है, तो मेरे लिए चैलेंजिंग वर्क था, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा गाना बन गया है। बाकी तो जब बाहर आएगा तो आप लोग बताएंगे क्या है। जी, फिल्म के और कितने गाने आप डायरेक्ट कर? इस फिल्म में मैं 3 गाने कर रहा हूँ, एक सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक धमाल सॉन्ग है, फंकी सॉन्ग है कॉलेज का। उसमें कौन कौन सिंगर अगर फाइनलाइज हो गए तो बताएं। उसमें भोजपुरी के बहुत ही महान सिंगर है मोहन राठौड़ साहब, वो गाने वाले हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर हैं वो, उनसे गवा रहे हैं हम। तैयारी चल रही है केडी सर फिलहाल फिल्म के लिए, कुछ स्पेशल और जो आप तैयारियां कर रहे हैं फिल्म के लिए, इस पूरी फिल्म के लिए, ताकि बढ़िया और एक शानदार। तैयारी क्या, अभी क्या 30 पिक्चर होगी, अभी तैयारी क्या, तैयारी होकर आते हैं हम तो आजकल से। 30 पिक्चर डायरेक्ट कर ली है, 35 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं, तैयारी सब है, मतलब राइटिंग वर्क चल रहा है, गाने का चल रहा है, लोकेशन हंटिंग चल रही है, ड्रेस बनाई जा रही है। और वो क्या, आजकल तो असिस्टेंट इतने ट्रेन हो गए ना हमारे, 15-20 साल से मेरे साथ है, सब करते रहते हैं अपने आप। जी फिल्म बहुत अच्छी है, हमारे प्रमुख म्यूजिक जो है गुरवंत सेन और डायरेक्टर साहब, क्या बात है। जिसने एक गाना मैंने लिखा है जो कॉलेज का सॉन्ग है जी। जी देख के जरा बताइए, दिलीप सेन जी के स्टूडियो का एड्रेस भी बताइए कि अगर आप अच्छे गायक हैं तो प्लीज फ्री में आइए यहाँ पे और हम आपको गाने का मौका देंगे। देखो मेरे भाई, गायक सब अच्छे होते हैं, जो गाना गाता है सब अच्छा होता है। नजरिया हमारा है कि हम किस नजरिया से उसको देखते हैं। और दूसरी बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर गाना करें, वो जहाँ पर हैं उनको जो सुविधाएँ मिल रही हैं वहाँ पर ही करेगा हम, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही करें, लेकिन हाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको याद करें। आज का गाना कैसा लगा आपको? आज का गाना बहुत अच्छा रहा और केडी साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद कि कुछ कोशिश करते हैं हमेशा कि मतलब कि जनता को एक नया कुछ, मतलब कि जो उनको अच्छा लगे, नया तो हमेशा ही इनकी कोशिश है, नया शब्द ही नया है, लेकिन जनता के दिलों में कुछ एक अच्छा लगे जो उनको लगे कि भाई हम जो है कि देखना चाहें, पसंद करना चाहें, तो गुणवन जी को संगीत से जो है कि संगीत का जो रस है गुणवन जी का, उसमें आज खुशबू जी की एक डबिंग हुई वॉइस को लेके, और दूसरा मेल वॉइस है तो अभी गुणवन जी उसके लिए कुछ बताए थे, वॉइस सिंगर अगर अवेलेबल हो जाए तो फटाफट वो भी गाना कंप्लीट हो जाएगा वाला।